welcome to the students hope you are safe at home today we are again in the 7th class subject social science and our uh, today's topic is tribes nomads and settled communities एक दिलचस्प मजमून है हमें ये देखना है कि सैटेलाइट कम्युनिटीज और ट्राइब्स कबीले वाले लोग या नोमैड्स खाना बदोश लोग इनमें क्या फर्क होता है इनके कल्चर में क्या फर्क होता है इनके रहन सहन में क्या फर्क होता है और जो सोशल चेंजेस हो रही हूं तो उनमें इन ट्राइबस और नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़ में वो चेंज आने में क्या फर्क होता है इससे पहले क्या हम आगे जाएं आपने सातवी जमात के दूसरे तीसरे और चौथे लेसन में चैप्टर्स में कुछ डायनास्टीज या खानदानों का हाल पड़ा, जिन्होंने हिंदुस्तान पे या हिंदुस्तान के मुख्तलफ इलाकों पे हुकूमत की पहले आपने राष्ट्रकूट चोलाज पालाज के खानदानों के उज जवाल की बात सुनी उसके बाद दहली सल्टनेट या दहली सुल्तानों का हाल आपके सामने आया और फिर आपने मुगल ख़ानदान के बादशाहों को भी देखा तो ये खानदान खानदानूज पे हो गए ऊज पे आ गए और फिर इनका जवाल भी हुआ अगरच इनका जवाल भी हुआ लेकिन दूसरी जानव हम ये देखते हैं कि जो आर्टिस क्राफ्टिस एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी फनून थे दस्तकारियाँ थी और पैदावारी सरगर्मियाँ इनका काम जारी रहा और ये तरकी करते गए उनका जवाल हुआ जो डायनासिस थे उनका जवाल हुआ लेकिन आर्ट क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज जारी रही और ये रोज बरोज तरकी करते गए इनफैक्ट सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस समाजी सियासी और इकसादी तब्दीलियां होती रही लेकिन एक बात जहन में रखने के काबिल है कि ये जो ये तब्दीलियां होती रही ये सारी, सारी कम्युनिटीज़ में सारे तबकों में सारे तबकों में बक़ वक़्त नहीं हुई आप से सुनिए कि कोई तब्दीली हुई समाज में तो अगर एक कम्युनिटी में ये हुई एक जगह ये वाक़ा हुई लेकिन दूसरी जगह उसी वक्त उसी जमाने में नहीं वाका हुई और ये अहम बात समझने के काबिल है कि वाई दीज चेंजेस वी आर नाट टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली इन ऑल कम्युनिटीज ये क्यों सारे तबकों में सारे कम्युनिटीज में उसी वक्त रोनम नहीं हो रही थी हम इसकी तरफ आ रहे हैं जो बड़े बड़े राजवाड़े थे सल्तनतें थी किंगडम्स थी उनमें जात पात पे मुबनी निजाम समाज में चल रहा था वरना बेस्ड सोसाइटी वट इज वर्ना बेस्ड सोसाइटी आपको याद होगा कि आपने छठी जमात में भी पढ़ा है वैदिक पीरियड में उसके बाद भी और सातवीं में भी आपको पहले दो तीन लेसन में इसकी रेफरेंस आई है कि अकॉर्डिंग टू ब्रह्मनास सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर क्लासेस ब्रह्मनास क्षत्रियास वेश एंड शुद्रास तो इन समाजों में ऊंच नीच था तबकाती फर्क था ब्राह्मण और क्षत्री के तबके जो थे वो वेश से ऐला यानी सुपीरियर माने जाते थे और सबसे निचला तबका जो था वो शूद्रों का था तो ये चार तबके समाज में ज़हूर में थे वजूद में थे हम देखते हैं कि जब दहली सल्तनत का पीरियड आया दिल्ली सुल्तानों का पीरियड ज़माना था उसके बाद मुगल दौर आया उसमें ये फर्क ज़्यादा ही बढ़ गया ये जो ये तबकाती फ़र्क था क्लासेस में डिफरेंसेस थी इट इनक्रीज ये फ़र्क बढ़ गया तो अभी तक हमने ये देखा कि सल्तनतों के जवाल के बावजूद आर्ट्स और क्राफ्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी समाज में कुछ सियासी इकतसादी और समाजी तब्दीलियाँ हो रही थी और लार्ज किंगडम्स में वरना सोसाइटी थी तो इन नुकतों को हमने देख लिया उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बियॉन्ड सिटीज़ ट्राइबल पीपल या ट्राइबल सोसाइटी शहरों का हाल तो अभी आपने देखा कि वहां पे वर्ना भी सोसाइटी थी लेकिन शहरों से दूर कुछ और सोसाइटीज थी वो तबके ऐसे थे वो समाज ऐसा था जहां कोई ऊंच नीच नहीं था नो इन इक्वालिटी देयर वॉज नो इन इक्वालिटी एक तरह से आप यह मानकर चलें कि वहां पे मसावात के असूल थे इक्वालिटी के असूल थे और एक अहम बात कि ये जो ये वर्ना बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वर्ना बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्राह्मणों ने समाजी चालु चलन बिहेवियर के लिए कायदे और कानून वजह किए थे इंसान की पैदाइश से लेके उसके आखिरी सफ़र मौत तक के लिए कैसे समाज में रहना है इसके लिए ब्राह्मणों ने कायदे कवानीन वजह किए थे तहरीर किए थे तो इन समाजों में जिनके हम बात करने जा रहे हैं वहां पे ये वर्ना बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशन का जा निफाज नहीं हो रहा था दीज रूल्स वे आर नॉट फॉलोड देयर तो पहली बात कि देयर वॉज तो तो नो इन इक्वेलिटी सेकंडली वर्ना बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशन वी आर नॉट फॉलोड देयर तो इन्हीं तबकों को इन्हीं सोसाइटीज को अमूमन ट्राइबल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है साइ सोसाइटीज वायर देयर एग्जिस्टेड मोर लेस इक्वालिटी एंड वेयर द वन बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशन वेयर नॉट फॉलोड वी आर नोन एज ट्राइबल सोसाइटी ये जो ये ट्राइबल सोसाइटी थी वहां पर जो बॉन्ड था बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप बॉन्ड ऑफ किनशिप और रिलेशनशिप ये ट्राइब कैसे बनता था ट्राइब कैसे बनता था एक छोटी सी मिसाल हम देखें ले लेंगे कि एक फैमिली है इसमें माँ बाप बच्चे हैं फिर इन बच्चों की शादी होती है तो इनके भी बच्चे होते हैं फिर उनके भी बच्चे होते हैं तो जूं-जूं ये बढ़ता जाता था तो ये फैमिली इकट्ठे रहते थे इकट्ठे काम करते थे तो यही आखिरकार ट्राइब की सूरत इख्तियार करता था इवन हम यह भी देखते हैं कि फिर ट्राइब इतना बड़ा होता था कि वी वियर कलैनस कलैनस इसका उर्दू लफ्ज़ हम खैल इस्तेमाल करेंगे शाह खैल इस्तेमाल करेंगे पहले हमने ट्राइब लिया कि ट्राइब वॉज ए लार्ज ग्रुप ऑफ मैनी कलैंस एंड ए क्लैन वॉज ए ग्रुप ऑफ मैनी फैमिलीज तो फैमिली से क्लैनस बनते थे और क्लैनस को मिलाकर हमें एक ट्राइब या कबीला देखने को मिलता था इनका पेशा जो था था, इट वॉज एग्रीकल्चर इन कबीलों का पेशा अमूमा ज़रा था एग्रीकल्चर था इसके अलावा ये हंटर गैदरर्स थे हंटर गैदरर्स यानी ये शिकार भी करते थे और जो जंगल की पैदावार होती थी उसको भी जमा करते थे लेकिन कभी कभी एक ही कबीला ये सारे काम बैक वक्त करता था यानी वहाँ पे जिरात का काम भी होता था वहाँ पे शिकार का काम भी होता था और वहाँ जंगल से पैदावार हासिल करने का काम भी होता था तो ये सारे काम वक्त इसलिए होते थे एक ही कबीले में ताकि जो वहाँ के ज़रा हैं नेचुरल रिसोर्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके तो नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए ये बात वक्त ये काम करते थे लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग और काम करते थे कुछ तिजारत का काम करते थे कुछ लोग रसी बनाने रामेट्स या कोर्स स्टैक्स का, का, का काम करते थे मोटे टाट बनाने का काम का करते थे तिनकी से तिनकों से चटाया बनाने का काम का का करते थे और उनको बनाकर फिर वो बेचते थे हम इनके ऑक्यूपेश या पेशों की बात कर रहे थे कि ये ज़रात का काम भी कर रहे थे शिकार का काम भी कर रहे थे और जंगलात से पैदावार हासिल करने का काम भी कर रहे थे इसके अलावा कुछ कबीले खाना बदोश थे नोमैड्स थे तो वो अपना गुजारा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकल करके मुख्त कामों में लगते थे एक और अहम बात जो कबीलों के बारे में हमने जाननी है वो ये कि बहुत से कबीलों में जमीन जो थी वो पूरे कबीले की मिल्कित या प्रॉपर्टी हुआ करती थी हमारे यहाँ अगर आप गाँव शहर की बात करेंगे तो हर फैमिली की अपनी अलग ज़मीन होती है और उस पर उसके मालिकाना हकूक बेचने खरीदने वगैरह इस्तेमाल करने के हकूक़ होते लेकिन बहुत से कबीलों में ज़मीन जो थी वो फर्द की नहीं किसी घराने की नहीं बल्कि वो पूरे कबीले की ज़मीन होती थी और कबीले ने ऐसे कायदे बनाए थे जिनके तहत इस ज़मीन को मुख्तलफ क्लैनज़ में बांटा जाता था और फिर जब पैदावार हासिल होती थी तो वहाँ पर भी कुछ कायदों के मुताबिक इस पैदावार को इन क्लैनस में इन घरानों में तकसीम किया जाता था तो बहुत से कबीले जो थे वो बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद थे लेकिन ये कबीले कहाँ रहते थे ये अमूमन शहरों से बहुत दूर जंगलों में पहाड़ों पे, रेगिस्तानी इलाकों में और उन इलाकों में रहते थे जहां पहुंचना बहुत ही दुश्वार गुजार होता था कभी कुमार इन कबीलों और सेटलर्ड कम्युनिटीज़ आबाद समाजों में कॉन्फ्लिक्ट क्लैश झगड़ा इख्तलाफ लड़ाई भी होती थी लेकिन ये कबीले जो थे इन्होंने अपनी आजादी को प्रिजर्व या बरकरार रखा और साथ ही अपने तमदन या कल्चर को भी महफूज रखा अगरच कभी कभी कुबार कभी कभार सेटलड कम्यूनिटीज़ और ट्राइब्स में ट्राइबल सोसाइटीज़ में जिदा इख्तलाफ होता था लेकिन ये दोनों समाज सेटलड कम्यूनिटीज़ एंड ट्राइबल कम्यूनिटीज़ एक दूसरे पर मुनहसिर थी यानी उनकी चीज़ें इनको दरकार थी और सेटल कम्युनिटीज़ की के एशिया बहुत सी चीज़ें ट्राइबल पीपल को ज़रूरत होती थी आप आगे इस लेसन में आप पूरी वजाहत के साथ देखेंगे तो ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट डिपेंडेंस एक तरफ कभी कभी कभी, कभी, कभी मुखासमत या लड़ाई होती है और दूसरी जानबी एक दूसरे पे मुनासिर है तो ये कॉन्फ्लिक्ट और डिपेंडेंस का रिश्ता जो था इसका असर दोनों कम्युनिटीज पे पड़ा सेटल कम्युनिटीज और ट्राइबल कम्युनिटीज पे पड़ा और इस रिलेशनशिप को समझना देखना झांचना दिलचस्प काम है नाउ हु वायर ट्राइबल पीपल हु वायर ट्राइबल पीपल ये ट्राइबल पीपल या कबीरे के लोग कौन थे जो उस ज़माने के मरख हैं हिस्टोरियंस हैं या ट्रैवलर्स हैं जो सया यहाँ आए हैं और उन्हें अपने सफ़रनामे लिखे हैं तो उसमें उनमें हमें बहुत ही कम चीज़ें इनके बारे में मिलती हैं बहुत ही कम तहरीरें हमें ट्राइबल पीपल के बारे में कबील उनके बारे में मिलती हैं अलबत ये जो एक कबीले के लोग थे ये अपनी रिवायात को महफूज रखते थे लेकिन तहरीर इन्होंने भी नहीं रखी है ट्राइबल पीपल ने भी अपने रहन सहन के बारे में कोई तहरीर नहीं रखी है अलबत् ये नसल दर नसल जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन रिवायात को इन कहानियों को इस बयानिए को मुंतकल करते रहते थे और फिर जो प्रजेंट हिस्टोरियन्स है उन्होंने इन कबीलों के बारे में तहरीर किया है लिखा है ये जो ये ट्राइबल पीपल थे कबीले के लोग थे ये तकरीबन बरसगीर के हर हिस्से में मौजूद थे आबाद थे और कुछ कबीलों का असर बहुत वसी था बहुत इलाकों तक था एक मुख्तर जायज़ा अगर आप देखेंगे अगर आप पंजाब देखेंगे पंजाब में पहले खोखर कबीला था और बाद में गखर कबीला आया इस खोखर कबीले का नाम सुनकर एक दिलचस्प बात ये होगी कि कभी कभार हम यहाँ पे बच्चों को डराने के लिए एक लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ख्ख कहते हैं ख्व असल में ये ख्ख खुँख इस खोखर का मुख़फ़फ़ है एब्रिविएटेड फॉर्म है दरअसल ये खोखर जो कबीला था चूँकि शुमाली हिंदुस्तान का था और इन्होंने कश्मीर के इलाकों पे भी बहुत बार हमले किए हैं तो उन हमलों की याद इस लफ़्ज़ में मुजमर है कि इनके डर की वजह से इनकी खोफ की वजह से कभी कभार आज भी हम छोटे बच्चों को कभी कभार डराने के लिए हालांकि नहीं डराना चाहिए तो उनके लिए हम ख्ख का लफज इस्तेमाल करते हैं उसके बाद खोखर के बाद पंजाब में गखर कबीला आ गया और ये इतना मजबूत था इसका इन्फ्लुएंस इतना ये था कि अकबर के ज़माने में अकबर बादशाह के ज़माने में इनका जो चीफ था कमाल खान गोखर उसको अकबर ने एक मनसबदार के तौर पे भर्ती किया उसके बाद हम हाँ मुल्तान और सिंध में आते हैं वहाँ पे जो कबीले थे वो लंगाज थे और अर्गुन कबीला था मुल्तान और सिंध में लंगाज और अर्गुन कबीला था उसके बाद हम हिंदुस्तान के जनूबी हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ नागाज ओम और दूसरे कबीले थे इसी तरह बिहार में चिरू कबीला था मुंडाज और संथालस वो बिहार में भी थी इसके अलावा उड़ीसा और बंगाल में भी थी उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो नोमैड्स थे खाना बदोश लोग थे और नोमैड जो थे और मूविंग पीपल जो थे मूविंग कबीले जो थे तो वो कैसे अपना गुजारा करते थे अमूमा वो अपना गुजारा दूध और जो आ, जानवरों से होने वाली पैदावार थी उस पे उनका गुजारा होता था इसमें घी आता है इसमें ऊन आता है वूल आता है तो ये जो ये नोमैड्स थे और मूविंग ट्राइब्स थे ये इन्हीं चीज़ों को बेच कर अपना गुजारा करते थे कभी कभार ये मवेशी भी पालते थे और उनको भी बेचते थे ये जो ये नोमैड्स थे इनमें सबसे मशहूर या इंपॉर्टेंट जो ट्राइब था कबीला था वो बंजार्स का था बंजारे बंजारे हम आज भी लफ इस्तेमाल करते हैं तो बंजारा जो थे वो बैलों पे सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे हमें अलाउद्दीन खुलजी के जमाने की याद आती है कि उसने इन बंजारों को शहरों में कस्बों में अनाज लादने के लिए अनाज लाने के लिए इस्तेमाल किया जहांगीर भी तो उसकी जहांगीर में इनका जिक्र करता है कि ये जो ये बन जा रहे हैं ये अपने आ, इन मवेशियों पे एक जगह से दूसरी जगह सामान लाते ले जाते थे आ, इनका जो एक कारवान होता था उसको अमूमा टंडा कहा जाता था टी एन डी ए टंडा टंडा कहा जाता था जो आ, का कारवान ऑफ नोमैड जो था जो चलते चलता फिरता ये कारवान था इसको ये टंडा कह, कहा करते थे कुछ इन नोमैड्स में ऐसे काम भी करते थे जैसे रस्सी बनाने का काम तिनकुन से चट्टया बनाने का काम और मोटे टाट बनाने का काम करते थे और उसी को वो बेचते थे इनमें से कुछ बाजीगर होती थी मदारी का नाम आपने सुना होगा और कभी मदारी का खेल भी देखा होगा कितना दिलचस्प होता है तो वो मदारी जो थे वो एंटरटेनमेंट करने के लिए जो लोग थे वो भी इन्हीं कबीलों से ताल्लुक रखते थे तो इस पूरे लेसन में हमने पहले देखा कि अगरच सल्तनतों का जवाल और जवाल हुआ लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स तरक्की करते गए फिर शहरों या बड़े-बड़े सल्तनतों में वरना बेसड सोसाइटी थी तो उसके बाद हमने ये देखा कि शहरों से दूर जो लोग रहते थे जहाँ पे ये वरना बेसड कानून का निज़ाम नहीं चलता था और वहाँ एक तरह से मसावा थी तो उनको हम ट्राइबल सोसाइटीज़ कहते हैं फिर हमने ट्राइबल सोसाइटीज़ के पेशे ऑक्यूपेशन मोटे मोटे पेशे देखे उसके बाद हमने कबीले मुख्तलफ़लों में आबाद थे उनकी थोड़ी सी हमने जानकारी यहाँ पे हासिल की उसके बाद हमने नो का ज़िक्र किया कि वो नो अपना गुज़ारा किस तरह करते थे और उनके पेशे क्या हुआ करते थे तो आ, अगर हम आखिर पे आपसे ये पूछेंगे कि वट वी आर द मेन ऑक्युपेशन ऑफ ट्राइबल पीपल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन सो यस यू कैन आंसर इट लाइक दिस दैट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ट्राइबल पीपल वायर एग्रीकल्चर हंटिंग एंड गैदरिंग तो बिसाइडिस दिस सम पीपल यूज टू रेयर एनीमल्स एंड सेल दिज एनिमल उसके बाद एक और क्वेश्चन हो सकता है कि वट आर द डिफरेंसिज बिटवीन द सेटेट कम्युनिटीज एंड द ट्राइबल सोसाइटीज द मेन डिफरेंस बिटवीन The satellite communities and the tribal people during medieval ages were that in satellite communities people followed the Varna based rules and regulations, and there was inequality in the society, but so far as tribal society is concerned, there was a sort of equality and rules and regulations. Prescribed by the Varna based Pandits or Brahmanas were not followed there. Thanks, dear students. Stay safe, stay at home. <laughs>